हेलो एवरीवन, दिस इज देवाशीष मिश्रा। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। बेसिकली मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लोगों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन बीपीयूटी सेमेस्टर एग्जाम्स। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट लोग वेरी न्यू है, उन लोगों को पता नहीं है कैसे कॉपी में लिखना है, अच्छा मार्क कैसे आएगा, अच्छा SGPA कैसे आएगा। SGPA कैलकुलेशन का भी वीडियो है, तुम लोग देख सकते हो मेरा डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जो BPT इंपॉर्टेंट वीडियोज है इसमें है, तुम लोग जाकर देख सकते हो हाउ टू कैलकुलेट SGPA एंड हाउ टू कैलकुलेट CGPA एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SGPA एंड CGPA, देख सकते हो। सो आज लेकिन हम लोग डिटेल मार्किंग प्रोसेस, पास मार्क, फेल मार्क, ओ ग्रेड कितना मार्क, ई ग्रेड कितना मार्क, ए ग्रेड कितना मार्क, वो सब क्या है और कैसे अच्छा मार्क आएगा उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा फास्ट से लास्ट तक देखना है। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू न्यू अपडेट तुम लोगों को हर दिन मिलता रहेगा। सो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो मैंने 10 पॉइंट प्रिपेयर किया हूँ जो डेफिनेटली तुम लोगों को हेल्प होगा। ये जो 10 पॉइंट है ये मैं मेरा कुछ पिछले वीडियो में मैं बनाया हूँ सीनियर लोग के लिए। आज यू आर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, यू आर वेरी न्यू फॉर दिस सिस्टम, सो दैट आई हैव अगेन प्रिपेयरिंग दिस वीडियो व्हिच विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड आई हैव ऑल्सो एडेड सम डिफरेंट पॉइंट्स। आज आई एम रेगुलरली चेकिंग द कॉपी, सो आई कैन पॉइंट आउट द मिस्टेक्स द स्टूडेंट्स आर डूइंग, दैट आई विल मेंशन यू व्हिच विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सो वी विल गो टू द फर्स्ट पॉइंट, आंसर द क्वेश्चंस फास्ट इन व्हिच यू आर मोस्ट कंफर्टेबल टू अटेंड द क्वेश्चन फास्ट, जो तुम लोगों को ठीक तरह से आता है। पहले पेज में ऐसा आंसर लिखो कि टीचर इम्प्रेस हो जाए कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो और तुम लोगों को अच्छा मार्क देना चाहिए। सो जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन, बुक का फर्स्ट पेज देखकर हम लोग इम्प्रेस हो जाते हैं मॉर्निंग सोच दी डे। सो इस प्रकार तुम पहले पेज ऐसा लिखो कि टीचर इंप्रेस हो जाए मार्क देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, योर फर्स्ट पेज मस्ट बी नीट एंड क्लीन। पेज में, फर्स्ट पेज में कभी भी कट मत लगाना, जो भी तुमको आता है क्लियरली लिखो। ओके, थर्ड पॉइंट, डू नॉट राइट योर आंसर इन रनिंग हैंड। रनिंग हैंड में मत लिखो, जो भी आ रहा है अच्छे से बढ़िया हैंडराइटिंग से लिखने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा हैंडराइटिंग खराब भी है तुम लोग बोल सकते हो सर मेरा हैंडराइटिंग खराब है, लेकिन अगर तुम आराम से बैठकर लिखते हो सो वो खराब हैंडराइटिंग भी अच्छा दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट, गिव द प्रॉपर नंबरिंग ऑफ योर आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल मैंने कॉपी चेकिंग करने के लिए गया था, वो 7th सेमेस्टर स्टूडेंट है फिर भी वो गलती वो कर रहे हैं। ए का मतलब क्या है, ये 2A है, 2B है, 3 का ए है और 4 का है, किसका ए है। सो वो मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। सो कभी भी ABCD ऐसा मत लिखना, लिखना है तो 2A, 1A, 3A ऐसे मेंशन करना है, जो डेफिनेटली टीचर को हेल्प होगा। अगर तुम लोग सिर्फ ए लिख दिए हो सो टीचर कंफ्यूज्ड है, ये 2 का ए है, 1 का ए है, 3 का ए है, 4 का ए है, किसका ए है, क्लियर। सो नंबरिंग देना बहुत जरूरी है। और नंबरिंग मैंने बताया था तुम लोगों को, नंबरिंग जो स्केलिंग है स्केलिंग के अंदर रहना भी जरूरी है, उसके बाहर आना नहीं चाहिए। ओके, सो अगर फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताओ, लेकिन नंबरिंग ऊपर थोड़ा ध्यान दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज स्केल एंड पेंसिल व्हेन यू आर डूइंग सर्किट डायग्राम।
कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे कि स्केल एंड पेंसिल में बनाने में स्कैनिंग प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन मैं कभी चेकिंग कर रहा हूँ, स्कैनिंग प्रॉपर होता है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि स्कैनिंग प्रॉपर नहीं होगा, सो यू कैन यूज ऑल्सो पेन व्हेन यू आर ड्रॉइंग द सर्किट डायग्राम, बट माइंड इट, यूज कंपास, यूज स्केल व्हेन यू आर ड्रॉइंग द सर्किट डायग्राम, इट विल शो नीट एंड क्लीन एंड यू विल गेट गुड मार्क। नेक्स्ट पॉइंट, नेवर राइट सर प्लीज पास मी। सो ए पॉइंट भी मैं बहुत बार देख चुका हूँ, सर प्लीज पास मी। सो अगर तुम लोग ठीक तरह से लिखे भी हुए हो एंड ए पॉइंट लिख दो सर प्लीज पास मी, सो इम्प्रेशन खराब हो जाता है और टीचर लोग सोचते हैं कि शायद ये कुछ गलत लिखा है, इसलिए लिखा है नेवर राइट सर प्लीज पास मी। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान देकर लिखना है, कभी भी ऐसा पॉइंट नहीं लिखना है तुम लोगों को। ट्राई टू गिव आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस, ये पॉइंट भी बार बार बोल चुका हूँ, ट्राई टू आंसर। और एक वीडियो भी मेरा है 10 days प्रिपेरेशन, उसमें भी देख सकते हो क्यों मैं ऐसा पॉइंट बोला हूँ, ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। सो अगर तुम सिलेक्टिव पॉइंट कुछ याद करके आंसर दिए हो सो कुछ मार्क मिल जाएगा, स्टेप मार्किंग है BPUT में, सो पास करना इजी हो जाएगा और स्कोरिंग करना भी अच्छा हो जाएगा। इफ यू आर डूइंग रफ वर्क देन डू इट इन द लास्ट पेज, डू नॉट डू योर रफ वर्क एट द साइड पेज, जस्ट मेंशन रफ वर्क एंड जस्ट रफ वर्क इन योर लास्ट पेज, यूज ब्लू और ब्लैक कलर पेन। ओके, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट लोग डिफरेंट पेन रेड ग्रीन ऐसा यूज कर देते हैं, सो वो तुम लोग के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ टीचर लोग के लिए है, इसलिए ओनली यूज ब्लू और ब्लैक कलर पेन। लास्ट पॉइंट, राइट योर लास्ट पेज नंबर एट द कंप्लीशन ऑफ योर एग्जाम। देखो और टीचर लोग और तुम लोगों को बताएंगे लिखने के लिए, और तुम भी लिखना बहुत जरूरी है, लास्ट पेज में कितना पेज लिखे हो, 15, 16, 20 जो भी लिखे हो, ऊपर एक दो बार लिखना है, ऊपर लिखना है नीचे लिखना है, तुम लोग को टीचर बताएंगे। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा सिग्नेचर रहेगा जो कॉपी में, एग्जाम कॉपी में सिग्नेचर रहेगा, डेट रहेगा और क्वेश्चन कोड टीचर लोग बताएंगे, नहीं तो क्वेश्चन कोड एक है वो लिखना है एंड लास्ट पेज नंबर फर्स्ट पेज नंबर, इतना ही सिर्फ तुम्हारा लिखना है कॉपी के ऊपर और कुछ नहीं, और तुम्हारे एंट्री लेटर का साइन रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर साइन रहेगा और कुछ नहीं, इतना बस याद रखना है। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई हैव प्रिपेयर्ड अनदर स्लाइड व्हिच विल डेफिनेटली हेल्प यू, टिप्स एंड ट्रिक्स बिफोर योर सेमेस्टर एग्जामिनेशन, ये भी जानना तुम लोगों को जरूरी है। ये वीडियो भी मैं बना चुका हूँ तुम्हारे सीनियर लोग के लिए, फर्स्ट स्टूडेंट लोग के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो इंटरनल इवेल्युएशन में तुम्हारा 50 मार्क्स है, जिसमें असाइनमेंट के लिए 5, सरप्राइज टेस्ट के लिए 5, क्विज के लिए 10, देन क्लास टेस्ट 1 और 2 के लिए 30 एंड जो 50 मार्क है इसमें पास मार्क है 25, पास मार्क इज इंटरनल दैट इज 50%, दैट इज 25, यू हैव टू स्कोर 25 आउट ऑफ 50। ओके, असाइनमेंट 5, सरप्राइज 5, क्विज 10, क्लास टेस्ट 1, क्लास टेस्ट 2, 30 मार्क्स। क्लियर स्टूडेंट, ये तुम्हारा है इंटरनल इवैल्यूएशन। देन गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग के लिए 90 एंड अबव अप टू 100 10 पॉइंट तुम लोगों को मिलेगा, एक्सलेंट के लिए 80 एंड अबव लेस देन 90 क्रेडिट पॉइंट 9 मिलेगा, वेरी गुड ए के लिए 70 एंड अबव बट लेस देन 80, गुड के लिए बी 60 एंड लेस देन 70, सी के लिए 50 एंड अबव बट लेस देन 60, डी के लिए 37 एंड अबव लेस देन 50, फेल एफ बिलो 37। ओके, तो माल प्रैक्टिस ऑप्शन उसको छोड़ दो। देखो डी ग्रेड तुम्हारा पास ग्रेड है, बट तुम्हारा जो लैबोरेटरी है, सेमिनार है, इसमें तुम्हारा पास ग्रेड है सी ग्रेड, यहाँ पर मेंशन भी है, ग्रेड सी शैल बी कंसिडर्ड एज एवरेज एंड ग्रेड डी शैल बी पास ग्रेड फॉर थ्योरी एंड ग्रेड सी शैल बी पास ग्रेड फॉर प्रैक्टिकल सेशनल प्रोजेक्ट सेमिनार एंड बायोपास। सो प्रैक्टिकल में अगर डी ग्रेड है तो तुम फेल हो, सी ग्रेड पास ग्रेड है, ये जानना भी तुम लोग के लिए जरूरी है। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, टोटल पास मार्क, देखो टोटल पास मार्क इज 37 प्लस 25, इट इज 62 आउट ऑफ 150,
अगर 37 से कम रहेगा तो फेल हुए, 27 से नीचे रहेगा तो भी फेल है। तुम अगर ये सोचते हो कि मैं थ्योरी में ज़्यादा ले आऊँगा, प्रैक्टिकल में 25 से नीचे, तो फिर तुम फेल हो। ओके, सो ये पॉइंट जानना भी जरूरी है। ओ ग्रेड के लिए 135 से 150, ई ग्रेड के लिए 120 से 134, ए ग्रेड के लिए 105 से 119, बी ग्रेड के लिए 90 से 104, सी ग्रेड के लिए 75 से 89, डी ग्रेड के लिए 60 to 74। ये जो कैलकुलेशन है ये तुम्हें कहीं भी कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये मैं अपने आप से कैलकुलेट किया हूँ, 100 से कैलकुलेशन करके तुम लोगों को बताया हूँ। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ दोस्तों में से शेयर कर देना, डेफिनेटली ये तुम लोगों को हेल्प होगा। सो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे न्यू अपडेट तुम लोगों को हर दिन मिलता रहेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।